नीम, अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्त, कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं महमूदी ट्रैवल एंड टूर के यूट्यूब चैनल में आपका मेज़बान मोहम्मद सादिक बात, अपने चैनल में वेलकम और खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों इस वक्त बड़ी न्यूज़ इस वक्त आप साथ शेयर करने जा रहे हैं कि वाया अफगानिस्तान जो लोग सफ़र कर रहे थे वो अब हाल के सफ़र ना करें, जो वहाँ पर पहुँच चुके हैं तो वो रिटर्न का सोचें और वापस पाकिस्तान आ जाएँ। जिन लोगों की PIA की टिकट हुई है वो परेशान ना हो, पलेंटी के चार्जेस लगने के बाद रिफंड हो जाएगी। इसके साथ वो लोग जो अभी ये सोच रहे हैं कि हम वाया अफगानिस्तान जाएंगे या वाया बहरीन या कीनिया, तो ये अब दिमाग से बातें निकाल दें, क्योंकि सऊदी अरब जो है इन रास्तों पर पाबंदी लगाने जा रहे हैं और ये अमल दोस्तों आज रात जो है अमल में लाया जाएगा और सऊदी गवर्नमेंट ने इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दी है। आज 4 जुलाई रात को जो है इसकी अप्लीमेंट हो जाएगा और इस पर मुकम्मल पाबंदी आज हो जाएगी। कोई भी बंदा अफगानिस्तान से सफ़र नहीं कर सकता। अगर आपने वीज़ा लगवा भी लिया है तो वीज़ा आपका रिजेक्ट समझें या जो भी समझें, वो आप फ़िलहाल अफगानिस्तान से पाकिस्तान वापस आ जाए, यही आपके लिए बेहतर है। इसके अलावा आपने देखा होगा कि सफ़ीर हैं अकबर साहब, उन्होंने कहा है कि थोड़े टाइम में जो है थोड़ा सा सब्र करें, एक हफ़्ता या महीने के लिए पाकिस्तान से PIA की एयरलाइंस जो है सऊदी के लिए चलाई जाए कुछ टाइम्स के लिए, तो इंतज़ार करें, फ़्लाइट PIA की ओपन हो जाएगी। फिलहाल आपको अपडेट देते चलें कि वाया अफगानिस्तान अगर आप जा रहे हैं तो फिल वक्त ना जाए, अगर वहाँ पर हैं तो काफ़ी सारे आपने वीडियोज़ में देख भी ली होगा काफ़ी सारे लोग वहाँ पर फंसे हुए हैं, तो गुजारिश की जाती है कि नए लोग ना जाएँ और वहाँ पर जो मौजूद हैं वो पाकिस्तान में वापस आ जाएँ। तो उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तमाम लोगों में ज़रूर शेयर करें ताकि ये पैगाम सब तक पहुँचे। अल्लाह हाफिज़।